अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। फ्रेंड्स, कोफ्ते का सालन पका रही हूँ। चीज़ान देख लिया, देख लीजिए। सालन बगाने की चीज़ें ये, एक प्याज, तीन कट्टे मेथी की भाजी, ये खेमे की नली है, थोड़ा सा नमक, थोड़ी हल्दी, एक चम्मच धनिया का पाउडर, दो चम्मच मिर्च पाउडर, आपके टेस्ट के हिसाब से डाल लेना फ्रेंड्स, एक चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, थोड़ी कोथिंबीर, थोड़ा पुदीना, और पीसने के लिए तीन टमाटर, दो प्याज, थोड़ा खोपरा, खैमा। खैमे में कुफ्ते बना लेने का मसाले क्या क्या डालना वो देख लिए। थोड़ा सा खैमा, एक चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, दो चम्मच मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, नमक, उस खैमा कितना है उसके हिसाब से, थोड़ा सा खोपरा, एक कटोरी फुटाने। फुटाने को पहले बारीक पीस लेना फ्रेंड्स, बाद में खोपरे को बारीक पीस लेना, बाद खैमे में ये सब मसाले डाल के पीस लेना। सब इन चीज़ों को खैमे में डाल के मिक्स कर लीजिए फ्रेंड्स। ये अलादा पीस लेना, खोपरा, प्याज, टमाटे। फ्रेंड्स, शतल गरम को रखी हूँ, कुफ्तियाँ का सालन बगा रही हूँ फ्रेंड्स। एक कटोरी तेल डाल रही हूँ, आपको जो तेल पसंद है वो तेल डालिए। तेल अच्छी तरह गर्म होने के बाद प्याज डाल के लाल कर लीजिए। लाल हो, तेल गरम है नहीं, थोड़ा सा डाल के देखिए। देखिए फ्रेंड्स, खोपरा, टमाटे, प्याज का पेस्ट बना के रेडी है। खैमे का जो दिखाया था मसाला सब पीस के मिक्स करके रखी हूँ। तेल अच्छी तरह गरम हो गया फ्रेंड्स, प्याज डालिए। तीन आलू डाल रही हूँ फ्रेंड्स, छील के अच्छी तरह धो के। आप चाहे तो कौन सी भी तरकारी डाल सकते हैं, मुझे आलू पसंद है, आलू डाल दूँ फ्रेंड्स। इसी तरह प्याज ब्राउन होने के बाद अदरक लहसुन पेस्ट डालना है फ्रेंड्स। सब अलादा अलादा तरीके से कुफ्तियाँ का सालन बनाते हैं फ्रेंड्स। मेरी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट्स करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। सब दुआओं में याद रखिए, आप सब खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं अल्लाह के फजलो करम से। ओके फ्रेंड्स, थोड़ी सी क्रिस्पी हो गई है और थोड़ा होने के बाद अदरक लहसुन पेस्ट डालना। मेरा खाना भी पक के रेडी है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी क्रिस्पी हो गया और थोड़ा ब्राउन होने के बाद डालना फ्रेंड्स। अदरक लहसुन पेस्ट डाल दूँ फ्रेंड्स। प्याज के साथ ये भी थोड़ा सा फ्राई होने के बाद आलू डालना, मकली मिर्ची भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। आपको जो वेजिटेबल पसंद है वो डाल सकते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ से प्याज थोड़ी सी क्रिस्पी हो गई है, अदरक लहसुन पेस्ट भी थोड़ा सा तेल में अच्छी तरह फ्राई होने के बाद, आप लोग कुकर में भी बना सकते हैं, शटर में भी बना सकते हैं, आपको जैसा पसंद वैसा कर सकते हैं। मैं आलू डाल रही हूँ फ्रेंड्स, एक नली है, नली डाल रही हूँ। पुदीना है थोड़ा सा, कुटी मिर्च और पुदीना, मिर्चा का मसाला, धनिया का पाउडर और हल्दी, नमक, थोड़ा सा पानी मिक्स करके डालती हूँ फ्रेंड्स, ताकि जले नहीं। सूखा भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, मैं इस तरह से डालती हूँ, आपको जैसा पसंद ठीक लगे वैसा डाल सकते हैं। मसाला सब अच्छी तरह मिक्स हो जाता है फ्रेंड्स इस तरह डालने से। इस तरह भी डाल सकते हैं, सूखा पाउडर भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। आलू को अच्छी तरह लगने देना, दो मिनट इसी में रहने देना फ्रेंड्स। दो मिनट के बाद आलू मसाला अच्छी तरह लग गया है, इसे आलू को जितना मारनी चाहिए थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक के 10 मिनट आलू को गलने देना। देखिए फ्रेंड्स, आलू गल गया है। खोपरा टमाटर अभी डाली हूँ, अच्छी तरह एक 5 प्लाजे ढक के पकने देना। देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह सालन पकने के बाद ऐसा कोफ्ते बना के, राउंड बना के कोफ्ते, आपको साइज छोटा चाहिए बड़ा चाहिए आपकी मर्जी, ऐसा बनाइए फ्रेंड्स। पानी में थोड़ा हाथ डाल के ऐसा साफ बना के ऐसा सालन में डालिए फ्रेंड्स। चाहे फ्राई भी कर सकते हैं, मसाले में भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। आपको जैसा ठीक लगे वैसा बना के डालिए। पांच लहसुन दम को छोड़ने के बाद साला रेडी हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, कुत्तिया का सालन रेडी है, खाना भी रेडी है। आइए बिस्मिल्लाह शुरू करें। आपको रेसिपी मेरी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स।